हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फिर से रेखा पे और कोण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसमें एक प्रमेय बताया था और उसके इंट्रोडक्शन हुआ था। आज हम लोग वही प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, 6.1 का सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ दिखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। आते हैं वीडियो पे और वीडियो देखिए। अभी क्या है सवाल में, सवाल को समझने से पहले एक चीज जान लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर दिखा गया है कि शीर्षाभिमुख कोण जो है तो क्या होता है, माना तो उसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसको दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA से। ठीक है, एक कॉमन बात ये है। और दूसरा एक और बात जान लीजिए, एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है ये सबको पता है। रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। और अगर 180 अंश का कोण बन रहा है हम उसे रेखा भी कह सकते हैं। इस प्रश्नावली में यही जो आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसी के ऊपर पूरा सवाल सॉल्व होगा। अब सवाल क्या है, सवाल दिया गया है दो रेखा AB और CD। ये देखिए, इसमें रेखा दिख रहा था चित्र में, एक रेखा AB है और एक रेखा CD है। बिंदु O पर प्रक्षेप करती है, बिंदु O पे प्रक्षेप कर रही है। यदि AOC तथा BOE 70 अंश है, AOC और BOE मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट मिलके कितने अंश का हो रहा है? 70 अंश का है। दोनों मिलके 70 अंश के हो रहे हैं तथा और BOD बराबर 40 अंश। BOD क्या है आपका? BOD बराबर कितना है? ये कोण आपका दिया गया है कितने अंश का है? 40 अंश का है। तो BOE और COE का प्रतिवर्ती कोण बताइए। सवाल से आपको दिख रहा है कि ये देखिए, ये वाला कोण BOD और ये AOC दोनों कैसे कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं। जहां दो रेखाएं छेद करती हैं तो वह दोनों रेखा अगर कोण जो बनते हैं आमने सामने के, वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ से जो दिया गया वही लिख लीजिए, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि BOD बराबर लिखा गया है कितना? 40 अंश है। तो अगर ये 40 अंश है तो कोण AOC बराबर भी कितने अंश का होगा? BOD के बराबर होगा, BOD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जो की BOD की वैल्यू है 40 अंश, यहाँ से AOC बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 40 अंश का हो गया। इसको कर देते समीकरण नंबर 1। देखिए, अगर ये 40 अंश का है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 40 अंश का हुआ। अगर ये 40 का हो गया और कह रहा है दोनों मिला के, ये वाला और ये वाला कोण मिला के 70 अंश का हो रहा है, ये 40 करके कितने का होगा? 30 अंश का ही होगा ना। 70 में से 40 घटा देंगे मिल जाएगा 30 अंश। अब देखिए, ये 40, ये 30, 70 हो गए, ये बता कितना? क्योंकि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। अगर 180 में से ये दोनों घटा देंगे, 30, 40, 70, 70 को घटा देंगे, आएगा कितना? 110 अंश। 110 अंश, ये COE पता चल गया, COE बराबर कितना होगा? 110 अंश होगा। लेकिन कह रहा है COE का प्रतिवर्ती बताइए। प्रतिवर्ती मतलब होता है वही कोण, छोड़ दीजिए बाकी सब बता दीजिए। अब ये करेंगे 110 को ही ना घटा देंगे 360 में से, एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, तो 360 में से 110 को घटा देंगे आएगा कितना? 250 आएगा। उसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि BOD, AOC और BOD आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर आपस में बराबर है तो BOD की वैल्यू 40 अंश है, तो AOC की वैल्यू कितने अंश हो जाएगी? 40 अंश हो जाएगी। अगर वो 40 की हुई तो BOE बराबर क्या हो जाएगा? BOE बराबर, हमें पहला समझा गया था AOC और BOE बराबर 70 अंश का, BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस AOC। 70 में से क्या होगा? AOC घटाना पड़ेगा। और 70 माइनस AOC, AOC की वैल्यू आपकी है 40 अंश, तो घट क्या आ जाएगा कितना? 30 अंश का। अब ये पहला आंसर हो गया, क्या हुआ हमारा? पहला आंसर हो गया कि BOE की वैल्यू आ गई कितना? 30 अंश का। अब देखिए, अगर BOE 30 अंश का हो गया, अब यहां से हमें कह रहा है कि
इसका प्रतिवर्ती बताना था, दूसरा आंसर। तो प्रतिवर्ती के लिए पहले कह देंगे ये तीनों का योगफल कितने अंश का है, 180 अंश का हो रहा है। तो लिख दीजिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश। तीनों कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश का। ये वाला और ये वाला कोण जोड़ के कितने अंश का होना चाहिए, 70 अंश का। सी ओ ई प्लस ये पहला और तीसरा पार्ट, ये और ये जोड़ेंगे, वहां दिया गया है तो दोनों का योगफल कितना है, 70 है बराबर 180 के। अब तो यहाँ से सी ओ ई की वैल्यू पता चल गई, सी ओ ई की वैल्यू बराबर आ जाएगी 180 माइनस में 70 अंश, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 अंश आ गया। सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 अंश। तो हमें बताना है प्रतिवर्ती या मतलब प्रति सी ओ ई का, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई का मतलब 360 माइनस 110, जितने का प्रतिवर्ती पूछेगा वही 360 में से घटा देंगे, 360 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 250। ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, सही आप लोग समझ जाएंगे। अब आते हैं तो सवाल हमें दिया दो रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है, फिर वही प्रक्षेप कर रहा है मतलब उसको वर्ड के लिए अपोजिट एंगल सारे बराबर हो जाएंगे। फिर कह रहा है यदि पी ओ वाई बराबर 90 अंश है और ए और बी का अनुपात 2:3 है तो सी का मान बताइए। अब फिगर में देख लीजिए एक्स वाई कहां है, एक्स वाई ये देखोगे, एम एन ये देखोगे, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप कर रही है। तो प्रक्षेप का मतलब अगर ये प्रक्षेप कर रहा है, ये बी है, ये वाला कोण कितना बी अंश का है, तो इधर वाला भी कितने अंश का होगा, ये भी कितने अंश होगा, बी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रक्षेप कर रहे हैं तो मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये कोण अगर देखिए कह रहा है ये वाला कोण 90 अंश का है, कितने अंश का है, 90 अंश का है, और इन दोनों का रेशियो 2:3 है, तो कह रहा है सी का मान बताइए, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 90 अंश का है, पी ओ वाई 90 अंश का है, और ये बचा पी ओ एक्स कितना का होगा, वो भी कितने का होगा, 90 का होगा, क्योंकि एक रेखा पे एक्स वाई रेखा पे 180 अंश कोण बनेगा, अगर ये 90 का है ये बचा वो पार्ट 90 अंश का होगा, मतलब ए और बी दोनों जोड़ेंगे 90 आ जाना चाहिए, ए और बी जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, जो कि ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया गया है 3, तो मान लेंगे ये 2 एक्स है, ये 3 एक्स है, 2 और 3 दोनों जोड़ेंगे 5x हो जाएगा, 5x बराबर हो गया 90, तो एक्स बराबर जाएगा 18, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 95, तो 18 क्या मतलब कि 36 अंश का है, ये 54 अंश का है, मतलब ये 36 अंश का ये और ये 54 अंश का, अगर ये 54 अंश का है ये भी कितने का होगा, 54 अंश का होगा, ठीक है। अगर ये 54 का हो गया तो ये पूरा जो कोण है 180 अंश का है, फिर भी देखेंगे नीचे वाला भी कितने बनेगा, ये भी 180 अंश बनेगा, तो ये 54 है तो ये 180 में से 54 घटा देंगे तो वही आएगा ना 126 अंश का, ये वाला है, ये वाला पार्ट कितने अंश का है, 126 अंश का ये पार्ट है। अगर सी का ही मान पूछ रहा तो मान आंसर आगे 126 अंश। अब उसको लगाइए, हमें दिया गया है कि पी ओ वाई बराबर कितने अंश का है, पी ओ वाई बराबर है 90 का, ये दिया है, ठीक है। अगर पी ओ वाई 90 अंश का है तो पी ओ एक्स बराबर भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, पी ओ एक्स बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, क्यों 90 अंश का होगा, ये रैखिक नियम है, लाइन पेयर इक्वेशन या फिर रैखिक नियम में क्या है, रेखा अगर एक ही रेखा पे एक वर्षीय स्कोर बनता है, अगर ये वाला पार्ट आधा अगर 90 का है तो दूसरा वाला भी कितने का होगा, 90 अंश का होगा। अब देखिए कह रहा है कि पी ओ वाई एक्स बराबर 90 अंश का हो गया, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स के बराबर आएगा, माना क्या माना कि कोण पी ओ एम बराबर 2x, कितना हो गया 2x, क्योंकि ये 2:5 में था, और एम ओ एक्स बराबर कितना हो गया 3x, ठीक है। ये देखिए ये वाला पार्ट 2 था तो 2x, और ये वाला पार्ट 3 है, 3 को मतलब 3 रेशियो में, तो ये 3x हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, पी ओ एम, पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स बराबर 180 अंश होगा, क्यों सॉरी 90 अंश का होगा, ये पी ओ एक्स है ना, तो पी ओ एक्स कितना हो गया 90 अंश का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बराबर 90 कर दीजिए, ये आपका है 2x, ये आपका है 3x,
दो एक्स और तीन एक्स जोड़ के कितना आ गया 90, और यहां से आ जाएगा 5x बराबर कितना आ गया 90 आ गया, तो एक्स बराबर आ गया 18। ये एक्स बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो यहां से लोग कह देंगे ए बराबर आ गया 2×18 बराबर आ गया 18 2×36। बी बराबर आपका है 3×18 18 3×54। अगर बी 18 मतलब बी कितना है 54 अंश का है, तो आप देखेंगे बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, आपका कोण यम ओ एक्स का वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आपका होगा कि यन ओ वाई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है यन ओ वाई है, तो यम ओ एक्स का यन ओ वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो कोण यन ओ वाई बराबर भी कितने अंश का होगा 54 अंश का होगा। इसको लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, ठीक है समीकरण 2 से क्या हुआ यन ओ वाई बराबर कितना हो गया ये 54 अंश का है, जिसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितने अंश का होगा 54 अंश का होगा। और हमें पता है कि एक रेखा पे रेखा एक्स वाई के कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का, तो एक्स एक्स ओ एन प्लस एन ओ वाई बराबर 180 अंश, दो कोणों का एक रैखिक युग्म पे बने कोणों का योग 180 अंश का होगा, एक्स ओ एन और एन ओ वाई बराबर कितने का होगा 180 का। तो एक्स ओ एन प्लस एन ओ वाई की वैल्यू पता है, एन ओ वाई की वैल्यू कितना है जितना इसकी वैल्यू उतना इसी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया था 54 अंश का, यहाँ हो गया ये कितने अंश का हो गया 54 अंश बराबर हो गया 180 अंश। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एक्स ओ एन बराबर हो गया 180 माइनस में 54 अंश, 180 में से 54 घटाएंगे कितना जाएगा 126 अंश। आपको वही सी की वैल्यू पता करने के लिए कह रहा था, यही सी हमारा एक्स ओ एन ही क्या माना है सी है, जहां से हमारा आंसर आ गया एक्स ओ एन की वैल्यू कितनी आई 126। दिया गया है यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू का, मतलब पी क्यू आर जो है बराबर है पी आर क्यू के, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण से बराबर दिया गया है, और आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के, पी आर टी के मतलब बाहरी वाला ये वाला कोण इस बाहरी वाले कोण के बराबर हमें दिखाना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, तो आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं, कैसे कि दिखाएंगे कि ये पहले ये वाला कोण मान लीजिए कोण नंबर 1 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए 2 है, ठीक है। अब कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे कितने अंश का आएगा 180 अंश का, और ये नाम दे दीजिए 3 है ये 4 है, कोण 3 और कोण 4 को भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180 अंश का, दोनों पक्ष 180 अंश, ये भी बन रहा है यहाँ पे भी 180 अंश, यहाँ पे भी बन रहा है, मतलब 1 और 2 भी बराबर है 3 और 4 की, 1 और 2 किसके बराबर है 3 और 4 के, और हमें पहले से दिया गया 1 और 3 के बराबर है, मतलब पांच वाला भी बराबर होगा। देखिए अब तो दिया पहले से लिख दीजिए, दिया है ना इसलिए दिया है पी कोण 1 बराबर कोण 3, ये दिखा दीजिए कि दिया है कोण 1 बराबर है कोण 3 के, इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब नीचे करिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, यहां लिखिए रैखिक युग्म से, कैसे है ये एक रेखा में बने कोण की वजह से या कोण 180 का होगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना अंश होगा 180 अंश का होगा। फिर यहाँ लिख दीजिए कोण 3 धन कोण 4 बराबर भी 180 अंश का होगा, ये भी रैखिक युग्म से, दो बातें समझ में आ गई, 1 और 2 जोड़ेंगे 180 अंश, 3 और 4 जोड़ेंगे 180 अंश, समीकरण इसको कर दीजिए 2 है ये कर दीजिए 3 है, समीकरण 2 और 3 से हमें क्या होगा कि दोनों पक्ष अगर ये वाला बराबर है तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या होगा दोनों पक्ष बराबर होगा, तो क्या होगा यहाँ से तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 धन कोण 4 के, दो चीज हो गया। अब देखिए कोण 1 कोण 3 के बराबर है, यहाँ 1 लिखा गया वहां 3 लिख सकते हैं, कोण 3 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4, यहाँ से 3 और यहाँ 3 कट गया, पता क्या कोण 2 बराबर आ गया कोण 4 के, और हमने वहां क्या माना है कि कोण 2 का मान है क्या, कोण 2 का मान है पी क्यू एस बराबर ही हो गया कोण 4 का मान है कोण पी आर T।
टी की, और हमें यही करना था क्या, सिद्ध करना था। ठीक, यदि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड का, इसको देख लीजिए फिगर में दिया जाएगा, फिगर में दिया गया है x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड का, तो सिद्ध कीजिए कि वो भी एक रेखा है। एक रेखा सिद्ध करने का मतलब आपको क्या रहा है, आपको ये दिखाना है कि वह कोण जो है उसकी 180 अंश का बने। अगर इसी पे 180 अंश का कोण बन जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि वह एक रेखा है। अगर हमें सिर्फ सिद्ध क्या करना है कि ये कोण ए ओ बी बराबर कितना लेके आना है हमें 180 अंश का। अगर ये मैं दिखा देंगे कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश है तो वह एक रेखा होगा। अब देखिए यहाँ दिया गया एक्स प्लस वाई बराबर है जेड प्लस डब्ल्यू टी, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। तो पहले सबसे पहले क्या जानते हैं, एक बिंदु पे कितना अंश का कोण बनता है, एक बिंदु पे 360 अंश का बनता है कोण ना, एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। तब एक बिंदु क्या हमारा ओ ले लीजिए, ओ पे कितने अंश का कोण बनेगा 360 अंश ओ पर। तो क्या हो गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड सभी अगर कोण जोड़ दें, चारों कोण को आपस में जोड़ देंगे कितने अंश का हो जाएगा, ये 360 अंश का हो गया पहला कंडीशन। और आपको एक चीज जो दिया उसे भी लिख लीजिए, दिया गया है कि एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, देखिए इसको कर दीजिए समीकरण नंबर एक। अब यहां से जहां एक्स प्लस वाई लिखा गया है या फिर डब्ल्यू प्लस जेड लिखा गया है, दोनों के स्थान पे दोनों आपस में बदल सकते हैं। जहां डब्ल्यू प्लस जेड लिखा गया वहां प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ लिखी एक्स प्लस वाई ये रहने दीजिए, और जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसको भी लिख दीजिए एक्स प्लस वाई, दोनों पार्ट बराबर हो गए 360 के। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई हो गया 2x प्लस वाई, क्योंकि एक एक्स और एक एक्स हो गया 2x और वाई वाई हो गया 2y बराबर आगे 360 अंश। यहाँ से आगे एक्स प्लस वाई बराबर आगे कितना 180 अंश का, जब 260 भाग करेंगे कितना आ गया 180 अंश का। और एक्स कोण एक्स और कोण वाई जोड़ देंगे क्या होगा, एक्स का मान आपका है कोण ए बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ए, सी ओ ए बराबर आपका दिया गया है 180 अंश, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ हम जान रहे हैं एक्स बराबर दिया गया है बी ओ सी, और वाई बराबर क्या दिया गया है कि सी ओ ए है, हमने जोड़ दी बी ओ सी प्लस सी ओ ए। अब यहां से देखिए अगर बी ओ सी और सी ओ ए जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बी ओ ए हो जाएगा पूरा पूरा, ये आ गया बी ओ ए बराबर कितने अंश का आ गया 180 अंश का। अब यहाँ बी ओ ए करिए चाहे ए ओ बी करिए दोनों बात एक ही है। अब आप लोग कह सकते हैं कि ए बी एक ए ओ बी बराबर है, तो ए ओ बी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करना ना भूले, जो भी ना समझ में आए उसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसे हम लोग और भी अच्छे से सुधार करेंगे। थैंक यू।